ओ हेलो भाई साहब, ओए रुको यार, कहाँ जा रहे हो यार? इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी ज़रूरी यार वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ, जो आपको ढेर सारे एंटरटेन करता है, बहुत सारी बातें को बताता है। सो गाइज, कहाँ चले जाते हो? सो गाइज रुको, खैर वेलकम बैक टू अपने इस चैनल पर। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होगे। सो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाली है ना, कमाल की होने वाली है। देखो यार, पहले जब हम लोग दुकान पे जाते थे ना, तो छोटे छोटे डब्बे में ना, एक कहते हैं ना कि एक मिलता था वो खिलौना, जिसके अंदर ना वो लॉटरी बोलते थे, कि उसी लॉटरी के अंदर खेल देखो, कि जैसे जिसके नसीब में जो हो, किसी का कुछ निकला, किसी को अंगूठी मिला, किसी को कड़ा मिला, कोई फला फला जो चीज़ मिलता रही। अगर किसी रोज़ ऐसा होता ना कि मैंने वो चीज़ उठाया, फिर मैंने उसे रख दिया कि नहीं मैं ये नहीं लूँगा, मैं दूसरा लूँगा, मैंने दूसरा उठाया और जिसको मैंने पहले उठाया तो वो किसी और ने ले लिया, और जो मैंने वो पहले वाला रख दिया था और उस पहले वाले को किसी दूसरे ने उठा कर जब उस पैकेट को खोला ना, तो उसमें से कहते हैं ना कुछ बढ़िया सा और औसम सा निकल चुका है। तो मैं कितना हूँ लाख कहूँ कि मैंने छोड़ दिया था, या फिर मुझे नहीं चाहिए था, या फिर मेरे पास ऑलरेडी उस चीज़ का कुछ है। ये सब बकवास बातें, बुरा लगती है। वो दिल चाहता है, वो दिल जानता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था, और वो मुझे मिलता ना तो वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो गाइज, ऐसा ही कुछ जो फिल्मी सितारे होते हैं ना, जो कि हमारे सेलिब्रिटीज़, जो कभी काल ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे फिल्में को वो रिजेक्ट कर देते हैं, और वही फिल्में और वही ड्रामा जो आगे चल के बहुत ज़्यादा सुपर हिट और हिट हो जाती है ना, जब उसे वो पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो उसने उसे तो मैंने ही रिजेक्ट किया था। लेकिन उनके दिल से पूछा जाए ना कि वो अंदर से इस फिल्म, ये ड्रामे हुई फिल्म को लेकर क्या फील कर रहे हैं, तो असली बातें पता चलेगी। सो गाइज, आज इसी तरीके की वीडियो पर हम अपना करने वाले हैं, अपना औसम से रिएक्ट। सो गाइज, आपको आने वाली है खूब ढेरा मजा, बहुत ज़्यादा मज़ा। सो गाइज, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले सब्सक्राइब। इसी जमाने में जी मैं करने वाला था कौन सा वाला रोल? दानिश। और फिर क्यों नहीं किया? बिकॉज़ मैंने पैसे मांगे थे, और मुझे लगता है कि खलील साहब को शायद वो सूट नहीं किया होगा कि कोई एक्टर उनकी स्क्रिप्ट के लिए पैसे मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शोबिज में काम करने वाले फनकारों को कभी कभार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े ड्रामों की ऑफर आती है, लेकिन वो अपने गुरूर और अपनी मसरूफियात के चक्कर में उन तमाम प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल छोटा मोटा प्रोजेक्ट समझ कर इग्नोर कर देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब वो ड्रामे ऑन एयर आते हैं और अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तब इन फनकारों को अंदर ही अंदर यकीनन बड़ा पछतावा होता होगा। लेकिन वो मीडिया पर आकर ये बात जरूर कहते हैं कि इस ड्रामे की मुझे ऑफर हुई थी लेकिन मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। लेकिन मैं ये बात जरूर समझ सकता हूं कि यकीनन उनके अंदर कोई ना कोई पछतावा जरूर होता होगा। लेकिन अब क्या पछताना जब चिड़ियां चुग गई खेत, क्योंकि अब तो उनके हाथ से वो प्रोजेक्ट निकल चुका होता है और वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान और इंडिया में धूम मचा चुका होता है। तो आज मैं आपको पांच ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पांच सुपरहिट ड्रामों को रिजेक्ट किया और यकीनन अंदर ही अंदर वो बहुत पछताए होंगे। तो चलते हैं पहली सेलिब्रिटी की तरफ, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हमेशा की तरह पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को ड्रामा सीरियल दिलरुबा तो याद ही होगा, जिसमें हानिया आमिर सनम का किरदार अदा कर रही थी, जो एक ऐसी लड़की है जिसने एक टाइम में 8-10 लड़कों को अपने पीछे लगाया होता है और हर लड़के को अपने मतलब के मुताबिक इस्तेमाल करती है। हीरा मानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हानिया आमिर से पहले सनम का रोल मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन चूंकि इन्हीं दिनों मुझे कशफ भी ऑफर हुआ था और टाइम ना होने की वजह से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना था, इसलिए मैंने कशफ को चुना, क्योंकि दिलरुबा मुझे बहुत बुरा लगा, जिसका ना कोई मकसद था और ना कोई कहानी, लेकिन कशफ में मेरा किरदार भी बहुत स्ट्रांग था और कहानी भी बहुत अच्छी थी और कशफ ड्रामे में लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी था। हीरा मानी कहती हैं कि मैं अपने किरदार बहुत एहतियात और काफी सोच विचार के बाद सिलेक्ट करती हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ कि हीरा ने सनम जैसा छिछोरा किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि इस ड्रामे के बाद हानिया आमिर पर काफी तनकीद हुई और इनको काफी रोस्ट भी किया गया। नेक्स्ट है सोनिया हुसैन। मेरे पास तुम हो में महविश का किरदार आयशा खान ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया और आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आयशा खान के अलावा महविश का किरदार कोई और निभा सकता था। लेकिन हुमायूं सईद ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे इस किरदार के लिए बहुत ही खूबसूरत और मंझी हुई अदाकारा चाहिए थी और मेरे जहन में पहला नाम जो आया था वो था आयशा खान का, लेकिन जिन दिनों मैं इस ड्रामे की कास्टिंग कर रहा था,
इन दिनों आयशा खान की शादी हो गई और वो शोबिज को खैरबाद कह गई। मैंने सोनिया हुसैन को इस किरदार के लिए ऑफर दी लेकिन इन्होंने भी इनकार कर दिया। बिल आखिर ये रोल आयशा खान ने निभाया। जब सोनिया हुसैन से पूछा गया कि आपने इस रोल से इनकार क्यों किया तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ऐसा किरदार नहीं निभाऊंगी जिसमें औरत को इतना बुरा दिखाया गया हो और मेरी नजर में ये औरत की तजलील करने के मुतरादिफ है। मेरे पास तुम हो, तुमने क्यों नहीं किया? मैं ख्वातीन को बुरा नहीं दिख सकती, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा आगे जाना। लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि मेरे लिए महविश के किरदार के लिए पहली और आखिरी च्वाइस आयशा खान ही थी। सोनिया बेशक मेरी अच्छी दोस्त है, मैंने इनके लिए ये रोल हरगिज नहीं लिखा था। जिसको खलील रहमान कमर ने ऑफर ही नहीं किया वो ये बात करते थे इट इज ऑफ नो यूज, अभी वो उस कैलिबर पर नहीं पहुंची कि जहां वो मेरा स्क्रिप्ट कर सके। और खलील साहब ने ये भी कहा कि एक इवेंट में जब मैंने सोनिया से ये पूछा कि क्या तुम एक औरत को वाकई ही नेगेटिव नहीं दिखा सकती इसलिए तुमने इस रोल से इनकार किया, उस वक्त सोनिया ने ये जवाब दिया कि मैं ये नहीं जानती थी कि ये ड्रामा इतना सुपरहिट हो जाएगा और मेरे साथ हीरो भी हुमायूं सईद है। कभी कभी कुछ रोल ऐसे होते हैं ना कि जो इंसान की असल जिंदगी में भी असर डाल देते हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस इनकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है सजल अली। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में माही के किरदार के लिए इकरा अजीज कभी भी प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले इस किरदार के लिए सज्जल अली से रिक्वेस्ट की और जाहिर है सज्जल अली ने इतने बड़े रोल और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। लेकिन जब इनको पता चला कि मेरे साथ हीरो फिरोज खान है तो इन्होंने पहली ही फुर्सत में इनकार कर दिया। इसकी वजह फिरोज खान और सज्जल अली की हिस्ट्री है। आप सब तो जानते हैं कि सज्जल अली और फिरोज खान एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और कई साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे।